हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या पर, ट्रेलिंग जीरोस पे एक क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, एक क्वेश्चन आता है कि आपको जीरो निकालने होते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपको दे देगा, जैसे ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है, इसमें आपसे बोल रहा होगा कि आप जीरो बताइएगा। तो कैसे इस जीरो को हम निकालेंगे सेकेंड्स में, वो हमें बात करनी है, क्योंकि हम कोई पूरा कैलकुलेट तो नहीं करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको यहां पर बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो बारंबारता समझते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है यदि n फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। मतलब n फैक्टोरियल का मतलब यह है कि एक से लेके n तक के सभी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। यदि फैक्टोरियल 10 लिखा है, इसका मतलब एक से लेके 10 तक के सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल 100 लिखा है, इसका मतलब 1 से लेके 100 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करना है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि सब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। तो फैक्टोरियल समझ रहे हैं। अब आपसे क्या पूछता है कि आप नंबर ऑफ जीरो बताओ। नंबर ऑफ जीरो का मतलब यह है कि जैसे मान लो हमने 1 से लेके 5 तक के सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो ये लास्ट में 120 आएगा। तो लास्ट में इसके जीरो कितने आ गए, 10 आ गए। वैसे यदि सपोज आप 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, ये आ रहा होगा 36288 00। तो इसके लास्ट में जीरो कितने आ रहे हैं, 2 0। लेकिन मैं यदि आपसे ये बोलूं कि 1 से लेके 100 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो इसमें लास्ट में जीरो निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना तो असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है कि मल्टीप्लाई कर सको। तो लॉजिक क्या है वो हमें बात करनी है। तो हमें जीरो कैसे निकालने उसको समझना है। सेकेंड्स में जीरो हम निकालेंगे। तो देखिए, आपको सिंपल सा करना इतना है कि जब भी आपको जीरो निकालने हैं ना, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल दिया है, 100 फैक्टोरियल में यदि जीरो निकालने हैं, तो बहुत आसान है। क्या करोगे आप, इसे हमेशा 5 से डिवाइड करोगे। यदि जीरो निकालने हैं तो हमेशा ही इसे 5 से डिवाइड करो। 5 से कितने बार डिवाइड हो रहा है, 20 टाइम्स। जो डिवाइड करने पे आया उसको फिर से डिवाइड कर दो, 20 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड होगा, 4 टाइम्स। अब मुझे बताओ 4 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा। तो 20 और 4 को जोड़ दो, कितना हो गया, 24। मतलब 100 के फैक्टोरियल में 24 जीरो आएंगे। अब आप बोलो सर समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल समझा दो। एक और एग्जांपल समझा दे रहा हूं। सपोज 150 का फैक्टोरियल लिखा है, तो 150 का फैक्टोरियल लिखा है तो 150 को 5 से डिवाइड करो, 5 से कितने बार डिवाइड होगा, 30 बार। 30 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड होगा, 6 बार। 6 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितने बार होगा, 1 बार। तो हमें बार 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 5 से डिवाइड करते जाना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए, और हमें एग्जैक्ट डिवाइड करना है पूर्णांक में, ठीक है, इंटीजर वैल्यू में, दशमलव में डिवाइड नहीं करना। जैसे 5 से 6 को एक ही बार डिवाइड कर सकते थे, जितने बार भी डिवाइड हो उन सबको ऐड करोगे, वो आपके नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। तो इसको यदि ऐड करना है तो कितना हो रहा है, 37। मतलब 150 के फैक्टोरियल में 37 जीरो होंगे। तो होपफुली समझ पाए होंगे। तो एक बार जल्दी से यदि आप चाहो तो आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 400 का फैक्टोरियल था, 400 का फैक्टोरियल था, तो 400 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 80। फिर 80 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 16। फिर 16 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 ही बार डिवाइड होगा, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है। अब इसको ऐड करेंगे, 99। यदि इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो कितना होगा, 100। 100 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 20। 20 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 4, तो कितना आएगा, 124। तो ये सारी वैल्यू आ गई 100 के फैक्टोरियल में, या 200 के फैक्टोरियल में, या 300 के फैक्टोरियल में, या 400 के फैक्टोरियल में, 500 के फैक्टोरियल में, 600 के फैक्टोरियल में, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, वो नंबर ऑफ जीरो हम बड़े आसानी से निकाल पा रहे हैं। हमें डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करते जाना है, और डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करना है। तो जैसे इसको डिवाइड किया, ये कितना आ गया, 20। 20 को फिर डिवाइड किया 4, मतलब टोटल जीरो कितने होंगे, 24। इसको डिवाइड किया 5 से तो 40, फिर 40 को करोगे तो 5 से तो 8, 8 को करोगे तो 1 बार, टोटल कितना आएगा, 49 आ जा रहा होगा। इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो कितने बार डिवाइड होगा, 60 बार। 60 को फिर 5 से डिवाइड करना है तो 12 टाइम्स। 12 को फिर 12 को 5 से भाग करोगे तो 2 बार, कितना होगा, 74।
इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 एट जे 40, 80 को फिर 5 से करोगे तो 16, 16 को 5 से करोगे तो 3, तो कितना आ रहा होगा 99, ठीक है। इसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 100, फिर कितना होगा 20, फिर कितना होगा 4, तो कितना आ रहा होगा 124। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में जीरो काउंट कर सकते हैं कि कितने जीरो होंगे, और किसी भी एग्जाम में आप देखोगे यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब इसमें थोड़ा सा एक और पैटर्न भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 के फैक्टोरियल निकालने हैं, तो एक पैटर्न चल रहा है। 100 के फैक्टोरियल में देखो तो 25 माइनस 1 है, 24 है, यहां क्या है 50 माइनस 1 है, यहां क्या है 75 माइनस 1 है, यहां क्या है 100 माइनस 1 है, यहां क्या है 125 माइनस 1 है। तो लेकिन ये पैटर्न जो चल रहा है ये 100 के फैक्टोरियल में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 150 के फैक्टोरियल में जीरो बताइए, तब आप इसको 5 से डिवाइड करके ही निकालोगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन क्या करता है, आप कॉन्स्टेबल का पेपर दे रहे हैं, पुलिस का पेपर दे रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, यदि आप SSC के प्री वगैरह दे रहे हैं या रेलवे वगैरह का पेपर दे रहे हैं, तो सीधा सीधा इसी पर ही पूछता है, तो 100 इन सब पूछ रहा होगा। तो आप यहां देखोगे कि यहां हमेशा ये पैटर्न चल रहा है, तो 100, 200, 300, 400, 500 पे आप याद रख लो कि इसमें ये पैटर्न चल रहा है, 25 माइनस 1 यहां, 50 माइनस 1, 75 माइनस 1, ये लॉजिक आपका चलेगा। तो होपफुली समझ आया होगा। 600 के फैक्टोरियल को आप खुद से निकालोगे, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए, और इसके बेस्ड पे और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा चैनल पर जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।